आज सुहागन महिलाओं का त्यौहार वट सावित्री भक्ति भाव से शहर में अनेक स्थानों पर मनाया गया। प्रस्तुत है इस पर सीटीवी की विशेष प्रस्तुति। सुहागन महिलाओं का पावन त्यौहार वट सावित्री आज शहर में भक्ति भाव के साथ मनाया गया। सदियों से यह त्यौहार सुहागन औरतें अपने पति के दीर्घायु उनके उज्जवल भविष्य के लिए करती आ रही और जन्मों जन्म इसी पति का साथ उन्हें मिले यह भी कामना करती है। ऐसे मौके पर सिटी न्यूज प्रतिनिधि ने शहर के कुछ परिसर का दौरा किया। इस दौरान सिटी न्यूज प्रतिनिधि साक्षी कुंडलकर और वैभव व्यारकर ने कुछ लोगों से बातचीत की। प्रस्तुत है इस पावन त्यौहार वट सावित्री पर हमारे तंत्र निर्देशक शैलेश गणवीर की ये पावन प्रस्तुति। नमस्कार, सीटीवी न्यूज हर कदम खबर कर में आपका स्वागत है। आज वट सावित्री के पावन त्यौहार का दिन है। लोगों की मान्यता है और साथ ही पौराणिक कथानों के अनुसार आज के दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान की जान मतलब उसके प्राण यमराज से वापस लाए थे और इसी के पौराणिक कथा के आधार पर आज हर विवाहित महिला आज के दिन व्रत रखकर अपने पति के लंबी आयु की प्रार्थना करती है, साथ ही अपने परिवार के सुख शांति की भी मनोकामना करती है। ऐसा ही एक नज़ारा आज हमें यहाँ पे गोपालपुरी परिसर वार्ड में कुछ महिलाएं अब व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही ये सारी महिलाएं सोशल डिस्टेंस का पालन करती हुई पूजा अर्चना में जुटी हुई है। मान्यता है वट यानी कि बरगद के पेड़ की जड़ ब्रह्मा, छाल विष्णु, शाखा शिव है और साथ ही इस वृक्ष पर लक्ष्मी देवी भी वास करती है और आज के दिन इसके गुणों पर इसके महत्व पर हम विशेष लक्ष्य केंद्रित करेंगे, क्योंकि सिर्फ आज ही के दिन ही नहीं हमें हर दिन इस वृक्ष के करीब रहना है। ये वृक्ष हमारे हवा को शुद्ध भी करती है और साथ ही हमें पर्यावरण को भी अपने सुरक्षित रखना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं जुड़ी है, तो चलिए जानते हैं इससे इन लोगों से इस वट का और इस पूजा का क्या महत्व है। कड़ापासून ही वट पौर्णिमा ही साजरी करने एका राज्यात एक राजा राहत होता, त्याला देवी सावित्रीच्या कृपेने एक मुलगी झाली आणि त्याने त्या मुलीचे नाव सावित्री असे ठेवले। काही दिवसानंतर तिचा विवाह एका गरीब सत्यवान नावाच्या मुलाशी झाला आणि एके दिवशी ते दोघेजण जंगलात लाकडे तोडण्याकरिता गेले, वडाच्या झाडाखाली गेले आणि त्याला चक्कर येऊन तो खाली पडला सत्यवान। तर मग तिने आपल्या मांडीवर घेऊन घेतले सत्यवानाला, आणखी सत्यवानाला मांडीवर घेतले, तो एक अद्भुत मनुष्य तिथे उभा राहिला। तो दुसरा कोणी नसून यम होता। तो यम म्हणाला की तुझ्या पतीचे प्राण घेऊन मी जाणार आहे, तू इथून निघून जा। तर सावित्री म्हणाली का एका पत्नीचं कर्तव्य आहे की पती जिकडे गेला त्याच्या पाठीमागे आपण जावं, हा एक पत्नी धर्म आहे। तर यम प्रसन्न झाला आणि तिला म्हणाला तुला जे काही वर मागायचं आहे तो वर माग। तर ती म्हणाली एका वरात तिने तीन मागितले, सासू सासऱ्यांना दृष्टीलाभ आणि मुलगा आणि आपल्या नवऱ्याचे ना दीर्घायुष्य, असं हे तीन वर मागितले आणि यम प्रसन्न होऊन तिला वर दिला व यम निघून चालला गेला आणि तिला पतीची प्राण तिला वापस मिळाले। म्हणून या दिवशी वट पौर्णिमेच्या दिवशी आपण वडाची पूजा करतो, साजरी करतो। ये पूजा आप कब से करते आ रही है और इसका महत्व क्या है? ज्या दिवशी सावित्रीने यमापासून तिच्या पतीचे प्राण वापस आणले त्या दिवशीपासून ही प्रथा सुरू झाली। हिंदू पंचांगातील ज्येष्ठ महिन्यात येणारी पौर्णिमा ही वटपौर्णिमा असते। या पौर्णिमेला स्त्रिया आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी कामना करते आणि पूजा करते। कहते हैं इस वट के यानी बरगद के पेड़ के जड़ में ब्रह्मा, उसके साल में विष्णु और उसके टहनियों में शिव रहते हैं, साथ ही इस वृक्ष पर लक्ष्मी का वास भी रहता है और अपने असीम आस्था के स्वरूप में इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। साथ ही आयुर्वेद में इसे देवीय उपहार के रूप में माना जाता है, इसलिए आज ये सभी महिलाएँ इस वृक्ष की पूजा अर्चना कर इसमें फेरे लगाती हुई दिखाई दी है। हमने अभी इन महिलाओं से इस वृक्ष के आज के वट सावित्री के दिन के महत्व के बारे में जाना और एक कोरोना का कहर न जाने कब तक चलेगा, लेकिन भक्तों के भक्ति और उनके विश्वास में कभी कमी नहीं होने वाली है। और साथ ही हम अंत में कहना चाहेंगे कि सीटीवी की ओर से भी आप सभी नागरिकों को वट सावित्री के बहुत सारे शुभकामनाएं। सीटीवी के लिए मैं साक्षी कुंडलकर, हमारे प्रतिनिधि वैभव रुयारकर के साथ।